नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। पंजाब के फिलौर में लुधियाना में तैनात एक SHO की बेटी के कुछ युवक ने सरेआम कपड़े फाड़ दिए। यह नहीं, जब इस महिला के भागने की कोशिश की तो इन युवकों ने तलवार लेकर उसका पीछा किया। पुलिस ने इस मामले में 6 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक महिला अपने पिता के घर में रहने आई थी। बीते दिन उसकी बेटी की तबीयत खराब हो गई थी और वह अपने रिश्ते में लगे भाई के साथ 8 महीने की बच्ची को फिल्लौर में डॉक्टर के पास दिखाने आई थी। जब शाम वह गन्ना फील्ड को जा रही थी तो उन्हीं के गांव के कुछ युवकों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। जब उसके रोकने का कारण पूछा गया तो उन्होंने महिला के भाई के साथ मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने इस दौरान महिला के कपड़े फाड़ डाले। गोद में बच्ची को लेकर जब वह अपने भाई के साथ गांव की ओर भागी तो युवकों ने हाथों में तलवार लेकर उसका पीछा किया। युवकों ने उन पर ईंट और पत्थर भी बरसाए जिससे रास्ते में खड़ी एक कार के शीशे भी टूट गए। थानेदार चरणजीत ने बताया कि पुलिस अधिकारी की बेटी को बीच सड़क में घेर कर उसके कपड़े फाड़ने व जानलेवा हमला करने पर गोपा, लव, उसके 4 अन्य साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।